क्या? आ गया। कौन? अर्जुन राय। नमक आमिस। बस 8 साल लगे हमें उसे पकड़ने में, और उसे भागने में सिर्फ 8 दिन। वेलकम, आओ अर्जुन आओ। भाई मुबारक हो, तुम लोगों ने पहली बार मेरी इज्जत बचा ली, अब तुम लोग जा सकते हो। ये कानून और पुलिस वाले इतना भी नहीं जानते कि अर्जुन तो दूसरों को मारने के लिए पैदा हुआ है, अर्जुन को कोई नहीं मार सकता। आप कृष्ण का अवतार नहीं जो अर्जुन को गीता का पाठ सुना रहे हैं। मैं तो मौत का इंतजार कर रहा था, आपने एक बार फिर जिंदगी तोहफे में दे दी, मेहरबानी की वजह दोस्ती। 4 दिन बाद तुम्हें फांसी पर लटका देते, फिर मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त कहां मिलता। हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं हुआ करता सेठ, काम की बात करो। तुम्हें मेरे खून में हाथ रंगना होगा। अरे भाई मुझे नहीं मारना है, मेरे भांजे की जान लेनी है। अब तक तो मामा कंस का सिर्फ नाम ही सुना था, आज दर्शन भी हो गए। सांप अपने बच्चों को खाकर ही जिंदा रहता है, मेरे जिंदा रहने के लिए मेरे भांजे का मरना बहुत जरूरी है। वैसे ये हमारे खानदानी जमीन जायदाद का मामला है। क्या वो बहुत अमीर है? जरूरत से ज्यादा। मुझे मालूम है कि तुम्हें अमीरों से कितनी नफरत है। मेरा भाजा अमेरिका में रहता है, तुम्हें वहां जाना होगा। अमेरिका? ये मत भूलो कि जेल से भागे हुए मुजरिम हो तुम। कल से हिंदुस्तान के कोने कोने में पुलिस तुम्हारी तलाश करेगी। कहां छिपोगे तुम? इसमें है तुम्हारा पासपोर्ट, वीजा, टिकट और बाकी सब इन्फॉर्मेशन। मेरे भांजे का नाम गौतम सहगल है, 3 हफ्ते में दिवाली के बाद वो वापस हिंदुस्तान आ रहा है। मैं चाहता हूं कि वो नहीं, उसकी मौत की खबर ही यहां पहुंचे। जगदीश चोपड़ा ने कहा था कि वेलकम मिस्टर रॉय, प्लीज टेक द काउंटर। दरअसल चोपड़ा साहब ने मुझे आपके बारे में बताया था, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। प्लीज कम आइए, मैं आपकी क्या खातिर कर सकता हूँ? मुझे रिवॉल्वर चाहिए। श्योर, चूज। आहा, यू हैव सेलेक्टेड द बेस्ट वन, बुलेट्स। सिर्फ 3? काम के लिए 1 ही काफी है। पता नहीं आप किस काम के लिए आए। खैर, और कुछ है? रहने के लिए जगह चाहिए। उन्हें एक जानलेवा बीमारी थी, ईमानदारी। वो करते क्या थे? वो एक मीडिया जर्नलिस्ट थे, माफिया की जुआ का पर्दाफाश करना चाहते थे। एक दिन एक फोन आया था और वो ये कहकर गए कि मैं अभी आया, और आपके पति बड़े खुश नसीब थे, आपकी जैसी सच्ची आंखें रोने के लिए छोड़ गए।
जिंदा रहे दुनिया में हम शायद इसलिए, रोने वाला कोई नहीं तो मरे किसके लिए। चलिए मैं आपको उनका कमरा दिखाती हूं। तुम तो अखबार इतने ध्यान से पढ़ते हो जैसे कोई खुफिया संदेश आने वाला हो। आज तुम्हें बिरयानी बनाऊंगी, बहुत दिनों के बाद। नहीं दादा, आज मुझे देर हो जाएगी। And the guy ate it. Gotta get up at 6 in the morning. Gotta go. That's tough. Good night. Good night. Who is the driver of DR930? It's me. What's the matter? You got a flat tire. Oh, no. Not this time of the night. That's life. Yahan pe to koi puncture nahi hai. Car number DR930. Siegel's car, please come to the entrance. Mr. Siegel's car, please come to the entrance. Good night, Mrs. Siegel. Good night. Mr. Siegel, good night, sir. Good night. Have a pleasant evening, sir. Thank you. निकालने की कोशिश करती हूँ लेकिन दर्द बहुत करेगा। बहुत हिम्मत है तुम में। अब तुम आराम करो, ये दर्द एक सपना बन जाएगा। अगर मुझे चलाना आता तो तुम्हें क्यों बिठाती? मर गए।
आपको जिस तरह चलानी है चलाइए, लेकिन मुझे उतार दीजिए। गुर की बंदर की रे हमारे मेरी तरह सिली। अरे मृतक, आप हाई तो करें ना, कैसे कुछ आ रही है? मजारा, क्यों नहीं गाना सुनाते? गाना? मरी। हम तुम एक गाड़ी में बंद हो और तुम्हें चलाना ना आए और तुम्हें गाना ना आए। हम जिंदा हैं? हाँ। हम मर गए? हाँ। तो फिर ही हमारा दूसरा जन्म होगा, है ना? सीजी तो तुम बहुत अच्छी बजाते हो। हाँ, और आप भी गाड़ी बहुत अच्छा चलाती हैं। आज भी चलाने का इरादा है क्या? नहीं, आज हम तुमसे सीजी बजाना सीखेंगे। अरे नहीं नहीं मैम साहब, कल आपकी बात मानी तो ऊपर जाते जाते रह गया, अरे आज आपकी बात सुनी तो भगवान जाने क्या होगा। क्या हो जाएगा, उसके बदले में मैं तुम्हें गाना सिखाऊंगी। की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। फिर तो और कोई रास्ता नहीं है, हमें इंतजार करना पड़ेगा। बस 10 महीने की तो बात है, तब मैं 18 साल की हो जाऊंगी। समझ लो 5 जनवरी 1977 से सपना तुम्हारी हो गई है। मैं तुम्हारी बीवी बनूंगी, हमारा एक छोटा सा घर होगा। और बच्चे? हाँ,
तुम्हारा जैसा एक लड़का नटखट। हमारी एक लड़की होगी और उसका नाम होगा कोमल। हाँ अच्छा नाम है। और लड़की का नाम होगा? मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई और मर्द नहीं आएगा। अच्छा बाबा, सपना दुआ करेगी कि तुम्हारा सपना सच हो। डैडी के घर लौटने का वक्त हो गया है, मुझे जाना चाहिए। कल आओगी ना? हाँ उसी जगह उसी समय। अर्जुन आज रात को 10 बजे मुझे मंदिर में मिलो। अर्जुन पापा को हमारे बारे में सब कुछ मालूम हो गया है। वो गुस्से में मुझे अमेरिका भेज रहे हैं। कब? कल सुबह की फ्लाइट से। नहीं वो ऐसा नहीं कर सकते। वो समझते हैं कि हम दूर रहकर एक दूसरे को भूल जाएंगे, लेकिन हम उन्हें दिखा देंगे कि उनका ख्याल कितना गलत है ना अर्जुन? अर्जुन 10 महीने में मैं 18 वर्ष की हो जाऊंगी और तुम्हारी बीवी भी। हाँ करूंगा, हर पल हर लम्हा। और फिर उस दिन तुम मेरे सामने खड़ी होगी दुल्हन की तरह, तुम्हारे हाथों में मेहंदी रची होगी, मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भरूंगा और अपने बाहों की वरमाला तुम्हें पहनाऊंगा। तो आप चाल लेकर देख लीजिए। कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा काम एकदम फर्स्ट क्लास होता है। मैं तो कहता हूं कि तुमसे अच्छा मैकेनिक मुंबई में कोई हो ही नहीं सकता। सेठ अपन अपना गैरेज खोलना मांगता है। गुड आइडिया। क्या है सेठ, 10 महीने में मैं शादी कर रहा हूं और आप तो जानती हैं कि घर बच्चा बीवी संभालने के लिए अपना तो कुछ ना कुछ धंधा होना ही चाहिए। अगर आप गैरेज खोलने के लिए पैसे दे दें। ये रहा तुम्हारा गैरेज और तुम्हारी फैमिली लाइफ। थैंक यू साहब, मैं 2 बरस के अंदर अंदर आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। और अगर नहीं चुका पाए तो समझ लीजिए मैं आपके पास गिर भी हो गया। अबे कल जाना है कि नहीं? इतना काम करेगा बीमार हो जाएगा। पैसा कमाना है, घर बसाना है। मालती सपना की चिट्ठी आई है क्या? काश आई होती, मुझे लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। क्या बात है? वो अर्जुन बाबू, अमेरिका में सपना की शादी किसी और से हो रही है। तुम झूठ बोल रही हो। मैंने नारायण साहब को फोन पे अपनी अमेरिका वाली बहन से बातें करते हुए खुद सुना है। कह रहे थे कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसकी शादी कर दो। तुम यहाँ क्यों आए हो? सपना के बारे में बात करने। सपना नहीं, सपना भीम साहब बोलो। वो वापस कब आ रही है? वो वापस नहीं आ रही है, थोड़े ही दिनों में
उसकी शादी होने वाली है। चलने का जाए यहाँ से। उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी क्यों करा रहे हैं? सपना की शादी उसकी मर्जी से हो रही है। ये झूठ है। सपना मुझसे प्यार करती है, वो किसी और से शादी नहीं कर सकती। तो जाता है या तुझे निकलवा दूं? मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। जाफर। यस सर। बोलते। यस सर। ये आदमी मुझे धमकी दे रहा है, इसे बाहर निकाल दो। मुझसे प्यार करती है सर जी, वो तुम्हारा साथ कभी नहीं मानेगी, वो कभी तुम्हारा साथ नहीं मानेगी, वो मेरे से फिर तुमसे शादी नहीं करेगी। तुम देख रहे सर जी, तुम देख रहे, वो मेरे पास जरूर वापस आएगी। साले यहाँ चाकू लेके आया था, तुम्हे यहाँ चाकू चलाने आया था क्या? निकल के बाद नहीं पकड़ के दिया। मैं कल ही अमेरिका से वापस आया, तुम्हारे घर गया तो पड़ोसियों से पता चला कि तुम, डोंट वरी, तुम जेल से बाहर निकलोगे तो फौरन मेरे पास चले आना। मुझे पता चला, पुलिस ने मेरे घर की तलाशी ली, सब कुछ ले गए, वो 50,000 भी जो आपने मुझे दिए थे। तुम फिक्र मत करो, और बहुत सारे काम मिलेंगे और बहुत सारे पैसे भी। अरे हाँ, याद आया, तुम्हारे घर गया था तो तुम्हारा ये टेलीग्राम आया हुआ था। बाय। सपना, मुझे मालूम था सपना तुम्हारी वफा मेरा साथ देगी। मेरा इंतजार मत करना, मेरी शादी 15 मार्च को है। उस दिन तुम्हारा अर्जुन चुपचाप मर गया, और जो जिंदा रहा उसमें ना जीने की आरज़ू थी ना मौत का डर। मैं दर्द की सीमा पार कर गया। I'm going to take you now to our investigative division where you can register your complaint. Okay. I'm going to turn you over to Detective who's in charge of our Indian department. If you have a seat here and sign our complaint book, I'll go up and get him now. Thank you. Namaste. मैं कैप्टन मॉरिस हूँ, स्पेशल ब्रांच न्यूयॉर्क पुलिस। मैंने 10 साल तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान में US एम्बेसी के साथ काम किया था, इसलिए मैं हिंदी बोल लेता हूँ और थोड़ी सी उर्दू और कुछ पंजाबी भी। That's wonderful. ये तो कमाल की बात है। Nice to meet you. Pleasure is mine. ये कपड़े उसी आदमी के हैं, उसने तो मेरे ड्राइवर की वर्दी पहन ली थी ना। ये शायद हमारा पहला क्लू होगा। एक लंबा चौड़ा जवान मालूम होता है, हाँ, और शायद एक हिंदुस्तानी भी। देखने में कैसा था? अपने मुंह पर तो उसने कोई स्कार्फ या रुमाल लपेट रखा था, लेकिन उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे जैसे पत्थर की थी मूर्ति की हों, ना चमक। और मैं ज्यादा गौर से देख भी नहीं पाया, अंधेरा था। बीवी डर कर चीख पड़ी और एक पल के लिए वो बौखला सा गया। मौका देखकर मैंने उस पर हमला कर दिया, उसकी पिस्तौल गिरी, वो भागा, मैंने उस पर गोली चला दी। वो गोली उसे लगी थी? हाँ, शायद। क्या ये मुमकिन नहीं कि वो एक लुटेरा था? हरगिज नहीं। एक लुटेरा इतनी मुश्किल प्लानिंग, इतनी मुश्किल मंसूबे बनाकर नहीं लूटता है। मेरा ख्याल है मिस्टर सैगल कि वो आदमी आपका कत्ल करने के लिए आया था। अब चलिए मिस्टर सैगल, हम आपका काम शुरू करते हैं। वो पकड़ा तो जाएगा ना? अगर वो जख्म गहरा है और अगर वो जख्म उसको अस्पताल तक ले जाए तो हम सारे अस्पताल चेक कर सकते हैं। That will be our first step, Mr. Saigal. I see. Thank you. Take care. कल रात मेरी आंखों के सामने किसी ने गौतम को कत्ल करने की कोशिश की। मैं ऐसे डरी कि उसकी सूरत तक नहीं देख पाई।
नहीं तो उसका होलिया बताकर उसे पकड़वाने में पुलिस की मदद तो करती। आज इसे अपना कौन सा राज बताया? बताया कहाँ, बताने जा रही थी। मैं कल रात के बारे में सोच रही थी। वो सब भूल भी जाना, बस यही सोचो कि 3 हफ्ते में हमें हिंदुस्तान लौटना है। दिवाली के फौरन बाद बॉम्बे चलेंगे। लेकिन मेरा बॉम्बे जाने को जी नहीं चाह रहा है। ओ कम ऑन डार्लिंग, ये भला कभी हो सकता है कि कोई लड़की अपने मैग जाए? स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट। गुड नाइट। दादा मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। संभल के जाना, जरा सा ही तो काम है। 9 बरस पुराने वादे के टूटने का हिसाब चुकाने जा रहा हूँ। Good morning. I'd like to see Mrs. Sehgal. May I see your car? She's expecting me. She's in the hot house in the garden. Shall I show the way? It's all right. It's all right. कैसी हो सपना? अर्जुन, नौ बेधड़क बरसों के बाद कुछ भी नहीं कहोगी? भगवान के लिए चले जाओ यहां से। मैं भगवान के लिए आया ही नहीं तो उसके लिए चला क्यों जाऊं? नहीं जाऊंगा। अपने आप को यह बताने से डर क्यों रही हो कि बरसों बाद मुझे देखकर तुम्हें बहुत खुशी हुई? खुशी हुई ना? हाँ, मगर डर भी लग रहा है। और तुम्हें कैसा लगता है? मुझे अब कुछ नहीं लगता। 9 बरसों में मेरे सारे एहसास मर चुके हैं, सिर्फ एक एहसास बाकी है, तुम्हारा। तुम्हें भूल जाना चाहिए था। क्या तुम भूल पाई? तुम यहां क्यों आए हो? यह देखने के स्वागन के रूप में तुम कैसी लगती हो। मैं एक सुखी ब्याह औरत हूं। मैं ये नहीं कहती कि मैंने तुमसे प्यार नहीं किया था। किया था प्यार, लेकिन आखिर मेरा बचपन खत्म हो ही गया ना। अच्छा, तो आजकल अपने आप से ये झूठ बोल रही हो? ये सच है। बीती हुई पिछली बातें ना करो अर्जुन। मेरी एक सुखी घरेलू जिंदगी है, प्लीज यहाँ आके उसे तबाह ना करो। और मेरी घरेलू जिंदगी के ख्वाब को तुमने तबाह कर दिया, उसका क्या करो? बोलो। मैं राजू को पार्क ले जाऊं? ये मेरी बेटी है। मम्मी, मैं राजू को पार्क ले जाऊं? ये राजू कौन है? तुम्हारा छोटा भाई? नहीं, राजू मेरा घोड़ा है। ओ। तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। क्या नाम है तुम्हारा? तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ ना राजू को लेके। ए, तुमने अपना नाम नहीं बताया। कोमल। तो
तुम्हें मेरी बेटी का नाम छुड़ाने का क्या हक था? इतनी बड़ी बेवफाई, उसे कोमल पुकारते वक्त तुम्हें यह भी नहीं याद आता कि अर्जुन ने यह नाम अपनी बेटी के लिए चुना था, उस बेटी का जिसका बाप मैं बनने वाला था। अपनी कोख के साथ साथ तुमने मेरे ख्वाब भी बेच डाले। से 10 महीने की बात थी सपना, और तुम 10 महीने इंतजार ना कर सकी। अर्जुन, अब तुम जाओ और फिर कभी मत आना। मैं तुम्हें कैसे बताऊं अर्जुन, मेरे साथ क्या हुआ? तुमसे मिलने बाद जब मैं घर लौटी, तुम अब भी उस मैकेनिक छोकरे से चोरी छुपे मिल रही हो। तुम्हें अपनी इज्जत किस तरह भी परवाह नहीं? एक घटिया आदमी के साथ आधी रात तक? मैं उससे प्यार करती हूँ। ये प्यार नहीं, पागलपन है, बेवकूफी है। मैं उससे शादी करूंगी। आज के बाद तुम इसकी शक्ल तक नहीं देखोगी, समझे? क्यों नहीं देख सकती? आप मुझे नहीं रोक सकते। नहीं, देखते हैं। जब तक मैं तुम्हारे बारे में कोई फैसला ना करूं, तुम इसी कमरे में बंद रहोगी। मैं 2 बरस के लिए तुम्हें अमेरिका भेज रहा हूं, तुम्हारी बुआ के पास, कल सुबह की फ्लाइट से। ठीक है, जब तक मैं तुम्हारे बारे में कोई फैसला ना करूं, तुम इसी कमरे में बंद रहोगी। बरस के लिए तुम्हें अमेरिका भेज रहा हूं, तुम्हारी बुआ के पास, कल सुबह की फ्लाइट से। पता है गौतम, सपना जितना अच्छा खाना बनाती है उससे कहीं ज्यादा अच्छा गाती भी है। प्लीज बुआ। ओह सपना सिंग सो ब्यूटीफुली, यू जस्ट कांट इमेजिन। बुआ प्लीज। सपना प्लीज, एक गाना सुना दो। कैसे सॉन्ग भाई? सुना भी दो। सपना सुना दो बेटे। आप गाती कैसे हैं ये तो मैं नहीं जानता, मगर सुनने में मेरा जवाब नहीं, कह दीजिए। तुम्हारी भतीजी होमसिक नहीं है, ये मां बनने वाली है। 2 महीने गुजर चुके हैं। अब तक तो सिर्फ अर्जुन के प्यार की महक मेरे दिल और दिमाग में थी, पर अब तो उसका प्यार मुझ में समा गया है, सांस ले रहा है। अब मुझे अर्जुन से कोई अलग नहीं कर सकता। These flowers came for you. Thank you. मेरे पास तुम्हारे जैसी खूबसूरत आवाज तो नहीं कि जवाब गीत में दे सकूं। कुछ फूल हाजिर हैं, क्या कल हम मिल सकते हैं? अब मत कहना नहीं नहीं गौतम। मैं गौतम से शादी नहीं करूंगी, और आप मुझे मजबूर भी नहीं कर सकती। फिर और क्या करोगी?
मैं वापस चली जाऊंगी। कहाँ? बॉम्बे? अपने डैडी के पास? अगर उन्हें इस बच्चे के बारे में पता चल गया तो सबसे पहले वो अर्जुन को मार डालेंगे। हम यहाँ तुम्हारे गार्डियन हैं, हमारी इजाजत के बगैर तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम अभी नाबालिग हो। कमाल है, कुदरत तो मुझे नाबालिग नहीं समझती। उसने तो मुझे माँ बनने का हक तो दे ही दिया है। कुदरत और कानून में बड़ा फर्क है। ठीक है, गौतम से शादी नहीं करना चाहती हो तो ना करो, पर फिर अबॉर्शन कराना पड़ेगा। कभी नहीं। फिर तो तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। सीधी बात है, अगर ये बच्चा चाहती हो तो गौतम से फौरन शादी कर लो। गौतम समझेगा बच्चा वक्त से पहले पैदा हो गया है। मर्दों को इन बातों की कोई खास समझ नहीं होती। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। इससे पहले मैं अपने आप को मार डालूंगी और साथ में अपने बच्चे को भी। बुआ, प्लीज बुआ, आप समझते क्यों नहीं? मैं सब समझती हूं, बल्कि तुमसे ज्यादा ही। मैं जानती हूं इस वक्त शायद मेरी बात तुम्हें बुरी लगे, पर बाद में तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी खुशी इसी में थी। सपना, एक फूल से अपनी सारी जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम खुशकिस्मत हो कि जिंदगी तुम्हें दूसरा मौका दे रही है। और कुछ नहीं, कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। अगर तुम जाना ही चाहती हो बेटी तो मैं रोकूंगा क्यों, लेकिन फर्ज करो तुम बंबई पहुंची और वहां जाके पता चला कि अर्जुन कहीं और चला गया है, तब क्या करोगी? पर वो कहीं और क्यों चला जाएगा? वो चला गया है बेटी, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि वो जेल में है, क्रिमिनल चार्जेस पे। मैं नहीं मानती। कौन सामने है पूछ लो। जरूर पूछूंगी। हाँ पूछ लो। हेलो ऑपरेटर, गेट मी बॉम्बे प्लीज, 62229। हेलो 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 मालती, मैं सपना बोल रही हूँ। अरे सपना बेबी, अर्जुन कहाँ है? तुम बोलती क्यों नहीं? अर्जुन कहाँ है? वो जेल में है। तुम्हारा बच्चा 2 साल इंतजार नहीं कर सकता। हेलो, नाइस टू सी यू अगेन। ये फूल भी तुम्हारी खूबसूरती को देखकर खुशी से वाह वाह कह रहे हैं। काश तुम इनकी बात सुन सकती। खैर, हमने अपने दिल की आवाज सबको सुना दी है। तमाम यार दोस्तों से कह दिया है कि हम तुमसे शादी कर रहे हैं। व्हाट? ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं, नहीं क्या? आखिर मुझमें क्या कमी है? मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आप समझते क्यों नहीं? मैं सब समझता हूँ। तुम यही कहना चाहती हो ना कि तुम मेरे लायक नहीं हो, तो इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं। जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। लेकिन गौतम जी, मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आप कहना सुनना कैसा? ये दिल का सौदा है, सारी बात दिल पर छोड़ दो और बस कीजिए। बहुत हो गया, आप अपनी ही कह जाएंगे या मेरी भी सुनेंगे? गौतम जी, इसमें हम दोनों का फायदा है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं देखो सपना, मैंने अपने यार दोस्तों सारे मिलने वालों को बता दिया है कि अगले संडे को मैं शादी कर रहा हूँ। बस सिर्फ कान बांटना बाकी रह गया। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं कुछ नहीं समझता। अगर मेरे हिस्से में तुम्हारा प्यार नहीं है, इनकार है, तो तुम एक बात समझ लो, जब तुम इस घर के दरवाजे के बाहर जाओगी तो तुम्हें एक लाश मिलेगी।
और वो लाश गौतम सहगल की होगी। लेकिन आप देखा, मेरी बच्ची भी मुझे देखने के लिए कम बेकरार नहीं, इसीलिए 6 हफ्ते पहले आ गई। तुम्हारी बुआ कह रही थी कि बिल्कुल मुझ पर गई है। इसका क्या नाम रखें? कोमल। कोमल? हाँ कोमल, मेरी जान। ओह तुम्हें पता है तुम क्या हो? तुम तो एक करिश्मा हो, मेरे खून और मेरे सांसों से बनी एक करिश्मा। मैं सिर्फ तेरा पापा नहीं, आज से तो मैं तेरा गुलाम हूं। गुलाम। चोट तो नहीं आई? नहीं अंकल, लेकिन यह तार कलिया नहीं था। शायद तुम्हारा घोड़ा। नहीं अंकल, राजू को कुछ मत कहो, कसूर मेरा था, राजू का नहीं। और देखिए ना अंकल, कितना उदास दिख रहा है। शायद तुम्हारे पैर में चोट आ गई, लाओ जरा देखो तो। लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा तुम राजू को प्यार करती हो। हाँ ना, सबसे ज्यादा तो मैं पापा को प्यार करती हूँ। राजू तो मेरे पापा का प्रेजेंट है मेरे 6th बर्थडे पर। ओ, तो तुम मम्मी को कितना प्यार करती हो? मम्मी को भी बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो डांटती बहुत है। पापा मुझे कभी नहीं डांटते, मुझे किसमिस कहकर बुलाते हैं। किसमिस? क्यों? कहते हैं क्योंकि मैं छोटी और मीठी हूँ। अच्छा कोमल, इतने बड़े घर में तुम्हें लेकर कितने लोग रहते होंगे? मैं, मम्मी और पापा। बस इतना बड़ा घर और सिर्फ 3 आदमी? हाँ। कोई नौकर वकर नहीं है? एक माँ, एक ड्राइवर, 4 माली 3। एक ड्राइवर? पापा को ड्राइव करने का बहुत शौक है। Yes. Mr. Sheridan is waiting for you. Shall I send him in? Yes, send him in, please. Morning, sir. Good morning. Okinawa Computers की खरीदारी के पेपर्स तैयार हैं। वकीलों ने भी उसकी मंजूरी दे दी है। अब सिर्फ आपके सिग्नेचर का इंतजार है। अच्छा, वो रिलायंस को टेलेक्स भेज दिया? जी हाँ, उसका भी जवाब आता ही होगा। Keep me informed on that, will you? यस सर, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इंडिया से आ गई है सर। हिंदुस्तान जाने से पहले आप ये फाइल जरूर देख लीजिएगा।
Good afternoon, Mrs. Eigel. Looking good today. Morris, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपको ये बताने आया हूँ साइगल साहब कि पिस्तौल के बारे में कुछ पता चल गया है. आज से 6 साल पहले शिकागो के एक वकील के घर से ये पिस्तौल चुराई गई थी. उसके बाद पिस्तौल के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिली. अब पिस्तौल के जरिए और कुछ जानना नामुमकिन है और अस्पतालों से भी कुछ मदद नहीं मिल रही है. हमने न्यूयॉर्क और आसपास के तमाम अस्पतालों में पूरी छानबीन की, लेकिन उस तरह का कोई भी जख्मी हिंदुस्तानी आदमी किसी भी अस्पताल में दाखिल नहीं हुआ. फिर शायद वो घायल नहीं हुआ, या शायद वो घर पे ही अपने जख्म की मरम पट्टी करवा रहा है. घर? क्योंकि तमाम होटल्स चेक किए जा चुके हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चला. उस डिस्क्रिप्शन का कोई भी आदमी किसी भी होटल में उस तारीख के आसपास नहीं गया. अगर उसके मोटिव्स पता चल जाते तो शायद हो सकता है वो डाका डालना चाहता था और आखिरी वक्त पर डर गया. मुझे लगता है कि शायद अब वो दिखाई नहीं देगा. मैं ऐसा नहीं मानता हूँ सर. मेरा ख्याल है कि वो कहीं छुपा हुआ है और आपकी दिए हुए जख्म की मरम पट्टी करवा रहा है. अब एहतियात के तौर पर मैं आपके मकान के इर्द गिर्द कुछ सिपाही रखवा देता हूँ. थैंक यू मॉरिस. ये तो हमारा फर्ज है सर. तुम कुछ मत कहो. मैंने जो कहा था वो अब तक किया क्यों नहीं तुमने? अब मुझे क्या पता था मैं फेल हो जाऊंगा. मुझे कोई मौका ही नहीं मिल रहा है. अरे ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है और तुम्हें मौका नहीं मिल रहा. अर्जुन, निशाना तुम्हारे सामने है. तीर चलाने में देर क्यों लग रही है? एक राह निकल रही है, वही मुझे गौतम तक पहुंचाएगी. हाँ चोपड़ा साहब, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा. देखने आया था कि तुम्हारे पैर कैसे हैं. बिल्कुल ठीक है लगता तो है. तुम घर कैसे जाओगी? स्कूल बस से. चलो आज मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ. ओके बाय सुजन, सी यू टुमारो. तुम्हारे पापा तुम्हें स्कूल से लेने नहीं आते? नहीं, कॉफी से देर से आते. क्यों? मैं तुम्हारे पापा के लिए हिंदुस्तान से खास प्रेजेंट लाया हूँ, तुम उन्हें दे दोगी? हाँ, पर इसमें है क्या? एक स्पेशल घड़ी है, जब रात को तुम्हारे पापा अकेले हो तुम चुपके से उनके हाथ में दे देना, पर तुम उसे खोलोगी नहीं, समझी? अच्छा, खोलूंगी भी नहीं और आज ही रात को पापा को दे दूंगी. गुड गर्ल, बड़ी अकलमंद हो. अभी से इतनी समझदार हो तो बड़ी होकर क्या बनोगी? रेसिंग ड्राइवर. मुझे गाड़ी चलाने का बहुत शौक है, पर पापा कहते मैं बहुत छोटी हूँ. इतनी छोटी तो नहीं हूँ. बिल्कुल नहीं, बातें तो बड़ों की तरह करती हो. हाँ, देखिए जैसा, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हम दोनों की उम्र बराबर की है ना? क्या उम्र है हम दोनों की? आप बताइए. Let me see. हम दोनों 60 से कम नहीं और डेफिनेटली 8 से ज्यादा नहीं. रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग. मैं 9 बरस की हूँ. 9 बरस? ये कैसे हो सकता है? तुम्हें जोड़ने में गलती हो रही है. तो आप जोड़ लीजिए. मैं 1 अक्टूबर 1977 को पैदा हुई थी. 78, 79, 80. समझो 5 जनवरी 1977 से सपना तुम्हारी हो गई है. हमारी एक लड़की होगी और उसका नाम होगा कोमल. 9 बरस की ही हो तुम, ये भूल मुझसे कैसे हुई तुम नहीं जानती.
मगर मैं तुमसे बहुत पहले मिल चुका हूँ। रियली? कब? तुम्हारे पैदा होने से भी पहले। अंकल आपकी आंखों में पानी? शायद आपको सर्दी लग गई होगी। लो मैं पोंछ देती हूँ। ये रुमाल मैं रख लूँ? हाँ रख लो। चलो हम दोनों आपस में एक सौदा करते हैं। मैं तुम्हें गाड़ी चलाना सिखाऊंगा। रियली? आप सचमुच सिखाएंगे? लेकिन एक शर्त पर, तुम ये बात मम्मी पापा को नहीं बताओगी कि हम दोनों मिलते हैं। ओके प्रॉमिस। अब चलें? नहीं इसे रहने दो, इसे मैं खुद तुम्हारे पापा को दे दूंगा। अब ये काम तुम्हारा नहीं है, वो मेरी बेटी है। मेरा खून मुझसे कह रहा है वो सपने की शादी के 7 महीने बाद पैदा हुई थी, और उस दिन से ठीक 9 महीने पहले सपना मेरे साथ थी। हाँ वो मेरी बेटी है, कोमल मेरी बेटी है। रो मत अर्जुन। जो मिला है उस पर नहीं रो रहा हूं, जो खोया है उस पर रो रहा हूं। क्या खोया है? अपनी बेटी का बचपन। मैं 9 बरस से बाप था पर मुझे इसकी खबर तक नहीं थी। उधर मैं बर्बादी पर तुला हुआ था और इधर मेरी बेटी कुमार एक फूल की तरह खिल रही थी। जो मेरा हक था, जो खुशियां मुझे मिलने चाहिए थी, वो मेरे रकीब ने पाली। ये मुझे क्या हो गया, मैं तो रोना जानता ही नहीं था। अब तुम क्या करोगे अर्जुन? पता नहीं, लेकिन इतना जानता हूं कि अपने जीते जी अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, और यह मेरी कसम है। थैंक यू, जस्ट लीव इट हियर। मैं मिस्टर मिसेस जुबिन मेहता को क्या लिखूं? अगले सैटरडे को उनके कॉन्सर्ट का ओपनिंग नाइट है, हम इनविटेशन भेजा है। सैटरडे को तो हम हिंदुस्तान में होंगे, माफी मांग लो। और एक बुके भी भेज दो। अच्छा मैं चला, आज का स्केड्यूल बहुत हैवी है। मगर नाश्ता तो खत्म कर लो। टाइम नहीं है, बहुत देर हो गई। हिंदुस्तान से तुम्हारे लिए फोन आया है। उनसे कहो कि थोड़ी देर के बाद मुझे ऑफिस में फोन करें। अच्छा अच्छा ठहरो, मैं आता हूँ। हाँ शर्मा बोलो, क्या बात है? आदम साहब, यहाँ आपके टी स्टेट में बहुत गड़बड़ हो रही है। रोज गोदाम से 2-4 ट्रक चाय के चोरी हो जाते हैं, और हिसाब किताब में भी बहुत गड़बड़ है साहब। लेकिन ये सब कर कौन रहा है? सुनो नेवर माइंड, 10 दिन के अंदर मैं खुद ही वहाँ पहुँच रहा हूँ। ओके ओके सर। सब ठीक है ना? तुम फिक्र मत करो, चलो। क्या आप इसको भी लूटने की कोशिश कहकर डाल देंगे साइकिल साहब? उस आदमी ने आपकी गाड़ी में ये टाइम बॉम्ब रखा, आप फिर बच गए। शुक्र है कि उस वक्त आपकी गाड़ी में सिर्फ आपका ब्रीफकेस था, आप नहीं। लेकिन वो आदमी फिर कोशिश करेगा, और हो सकता है कि तीसरी बार वो कामयाब रहे। मैं क्या कहूं मॉरिस, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करना चाहता हूं, क्योंकि बाकी तमाम रास्ते बंद है। आपका ड्राइवर शेरा, उसने उस आदमी को अच्छी तरह देख लिया ना? गुड ऑफिसर, प्लीज गो एंड गेट शेरा, मिस्टर साइकल्स ड्राइवर। श्योर, राइट अवे। अब शेरा की मदद से हमारा पुलिस ऑफिसर उस आदमी की तस्वीर बना सकता है।
और हो सकता है कि उस तस्वीर से आप या मिसेस साइगल उसे पहचान लें। His eyes were heavy lidded, they were almond shaped. देखा, मेरी बेटी कितनी होशियार है, हर सब्जेक्ट में अब्बल आई है, बस इसी मामले में डैडी बन नहीं गई। और डैडी बेचारा भी क्या करे, स्कूल तो गया ही नहीं। देखो ना राधा, देखो सच राधा, मेरी बेटी भी Indian industrialist, Mr. Gautam Segal, whose car exploded due to a bomb blast yesterday. Luckily, Mr. Segal escaped unhurt. Meanwhile, police are looking for the culprit. And we'll be right back after... और क्या करता भाई? मुझे लगा कि तुम शायद हिम्मत हार गए हो। मैं हिम्मत नहीं हारा हूँ, मैंने इरादा बदल दिया है। एक ही बात हुई। चलो अर्जुन, मैंने तुम्हें अपने कर्ज से आजाद किया। गौतम के लिए मैं कोई दूसरा आदमी यहीं से ढूंढ लूंगा। क्यों फिलिप? गौतम को ना मैं मारूंगा ना कोई और। आज से गौतम मेरी हिफाजत में रहेगा। तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जी हाँ, आपके लिए। बैठो 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 बैठो। देखो अर्जुन, हम दोनों एक दूसरे को काफी अरसे से जानते हैं, जानते हैं ना? मैंने तुम पे भरोसा किया है, तुमने मुझ पे। लेट अस बी स्ट्रेट। अर्जुन, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर प्रॉब्लम आपकी है। गौतम साहब का क्या झगड़ा है ना मैं जानूं ना मैं जानना चाहूं। गौतम की फैमिली है, पत्नी है, बेटी है। जो गोली गौतम का सीना चीरेगी वही गोली उसकी बेटी के बचपन को चीरती हुई निकल जाएगी। मेरी और आपकी ये नहीं ठहरी थी। मैं ख्वाब देख रहा हूं क्या? अर्जुन राय प्रोफेशनल कातिल से एक रहम दिल इंसान बन गया। कितने में बिके? जो दाम मुझे वहां से मिला है वो देना आपके बस की बात नहीं चोपड़ा सेठ। He knows too much. अगर कुछ बोला तो? नहीं, वो कुछ नहीं बोलेगा फिलिप। वो खामोश रहेगा क्योंकि उसे मैं ऐसी जगह भेजूंगा जहां पहुंचकर सब खामोश रहते हैं। कहां? कब्रिस्तान। Keep your eyes on the road, buddy, and your hands on the wheel, and go where I tell you. Where are you taking me? To your funeral. Bastard's finished. Thank you.
That's it. It looks a lot like him. Yeah? You sure about that? Yes. Yeah. Hey, Ralph, you've done a good job here. Now go and make a final copy for us, okay? Thanks a lot. Cheryl, thank you very much. Saigal Saab, aaj raat tak, New York ke tamam police stations mein ye sketch pahunch jayega. अब अगर ये आदमी अपने घर का दरवाजा बंद करके बैठ गया तब तो मजबूर है, वरना ये जल्दी पकड़ा जाएगा। और इसके अलावा मेरे आदमी ये स्केच लेकर तमाम अस्पतालों में, लॉजिंग्स में, होटलों में और हिंदुस्तानी इलाकों में कोना कोना छान मारेंगे। और अगर उसने अपना हुलिया बदल लिया तो? ये तो सिर्फ डिटेक्टिव नॉवेल्स में होता है साइकिल साहब। एक आदमी अपना कद और अपना रंग कैसे छुपा सकता है, और इसको दाढ़ी बढ़ाने के लिए वक्त ही नहीं मिला। अब हमारे हक में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास उसका स्केच है और उसको ये बात मालूम नहीं है, तो वो अपना हुलिया बदलने के बारे में सोचेगा ही क्यों? ऐसे लेकिन आज से साइकिल साहब आपके लिए खास बॉडीगार्ड रखा जाएगा आपकी हिफाजत के लिए। वहां पुलिस स्टेशन में क्या हुआ, उनको कुछ पता चला या नहीं? अभी तक तो नहीं, मगर शेरा की मदद से उन्होंने एक स्केच बना लिया है। मैं एक कॉपी भी लाया। पुलिस बस तस्वीरें बनाती रहेगी, वो तो आजाद घूम रहा है, वो बार हमला कर चुका है। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? अब तो 24 आवर्स अ डे मेरे साथ एक बॉडीगार्ड भी रहेगा। इसका ये मतलब नहीं कि पुलिस अब भीड़ छोड़ दे, उसे तो जल्द से जल्द पकड़कर फांसी दे देनी चाहिए। शेरा तो कह रहा था ये बिल्कुल उसकी तस्वीर उतार दी है पुलिस के आर्टिस्ट ने। ये लो, ये रहा मेरा कातिल। मैंने तो इसे कभी देखा ही नहीं, पता नहीं मेरा दुश्मन क्यों है। क्या तुम इसे पहचानती हो? हाँ? नहीं, इससे मिलती जुलती सूरत के किसी को मैं जाना करती थी। कौन है वो, नाम क्या है? बहुत दिनों की बात है, मेरे बचपन की, नाम याद नहीं आ रहा, इसे छुपा के रख दो, कोमल देखेगी तो डर जाएगी। हाँ तुम ठीक कहती हो। अगर वो पकड़ा गया तो क्या उसे फांसी हो जाएगी? इट डिपेंड्स, पहले ये पकड़ा जाए या मैं। एकदम से इतने सीरियस क्यों हो गए? मेरे तुम्हारे बीच कोई पर्दा नहीं होना चाहिए था सपना। पर्दा? तुमने मुझसे इतना बड़ा राज छुपाया कैसे? कौन सा राज? मैं पूछता हूँ, क्या यह गलत नहीं कि एक पति को अपनी बीवी के बारे में किसी और से सुनना पड़े? किसने बताया तुमको? तुम्हारी बुआ ने। इतने साल गए तुमने खुद क्यों नहीं बताया मुझे? मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहती थी। मैंने कितना बताया बुआ ने? इतना कि तुम एक बहुत कमाल की कथक डांसर हो। और ये जानते हुए मैंने फैसला कर लिया है कि इंडियन एसोसिएशन के एनुअल डे पर तुम्हारा नाच भी होगा। अरे तुम तो कांप रही हो, तुम्हारे हाथ भी ठंडे हैं, क्या हुआ? ओफो, मैं तो मजाक कर रहा था, पुरानी आदत है, तुम तो जानती हो मैं क्या करूं। क्यों करूं? Thank you.
रास्ते से हट जाओ अर्जुन। आपकी जगह यहाँ कोई और होता तो आहट सुनते ही उसे मार चुका। इंडियन एसोसिएशन ऑफ न्यूयॉर्क और आप सब की तरफ से सहगल से निवेदन करता हूं कि वो यहां आकर अपनी पत्नी श्रीमती सहगल को हार पहनाकर इनका अभिनंदन करें। तीन दिन के बाद हिंदुस्तान जा रहे ना? आप जब तक इस कंट्री में हैं, तब तक आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। और मेरी एक राय है कि आज के बाद आप इस घर से ना निकले और मैं खुद आपको जहाज तक छोड़ दूंगा। तब तक ऊपर वाले पर। We're doing the best we can, sir. I know you are. Right. Good night then, sir. Good night, ma'am, and thank you for the genuine Indian tea. Thank you. तुझे सब कुछ मालूम है, चोपड़ा कहाँ है? मैं नहीं मालूम। बोल। मालूम। मैंने कह दिया था कि मुझे नहीं मालूम। मैं सिर्फ नहीं बताऊंगा। एक। नहीं। दो। बताता हूं दिवाली के दिन धमाका होगा सैगल हाउस के अंदर। इतने दिन तक कहाँ थे, क्या मुझे भूल गए? ये नामुमकिन है। और अंकल आपके पास मेरा रिपोर्ट कार्ड है, वो मुझे चाहिए, हम इंडिया जा रहे हैं। कल परसों तक लाकर मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, ध्यान से सुनना।
सॉरी अंकल, मुझे आने में 9 मिनट की देर हो गई। तुम्हें तो 9 ही मिनट की देर हुई कोमल, मैं तो 9 बरस देर से आया। 9 बरस? मगर इतनी देर कैसे हो गई? नया मुसाफिर जो था गलत रास्ते में खो गया था। खाने के लिए कुछ लाइयो, बहुत भूख लगी है। ओ, मैं अभी ले आती हूँ। रहने दो, बहुत भूखा रह चुका हूँ। घर में पुलिस है? हाँ। अस्तबल में? नहीं, वहाँ कोई नहीं है। चलो फिर वहीं चलते हैं। बिहेव राजू, कम ऑन राजू, बिहेव। कोमल, मैं यहां से पैदल चलता हूं, तुम जाओ जाओ। अंकल, वो पर एक पुराना कमरा है, वहां छुप सकते हो, वहां कोई नहीं आता। ये जगह ठीक रहेगी। तुम भी बहुत चलाक हो। मारना क्यों चाहते हो? तुम्हें अगर कोई शिकायत है तो मुझसे है ना, तो बदला मुझसे लो। गौतम तो बेकसूर है। मैं गौतम को मारने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। एक खूनी मुजरिम झूठ नहीं बोलेगा तो और क्या बोलेगा? पहली रात तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई थी, लेकिन कहो कि गाड़ी में तुम नहीं थे। दूसरी बार तो बॉम्ब था, लेकिन तीसरी बार शो में मैंने तुम्हें साफ साफ देखा था। पहली बार तुम्हें गाड़ी में देखकर मेरा हाथ हिल गया था, वरना मेरा निशाना खाली नहीं जाता। और दूसरी बार मैं गौतम को मारने नहीं, बचाने गया था। बचाने? तुम? हाँ। हाँ, और क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इन 2 हफ्तों में तुम्हारा इरादा कैसे बदल गया? क्या बदलने का हक सिर्फ तुम्ही को है सपना? 9 बरस पहले जब तुम मुझसे बिछड़ गई थी, तो ऐसा लगा मेरे अंदर कुछ टूट गया है। लेकिन एक दिन इन्हीं 2 हफ्तों में मेरा सारा गुस्सा, सारा गम मुम हो गया, मेरे सारे घाव भर गए, मेरा सब कुछ बदल गया एक ही पल में, जब मैंने ये जाना कि कोमल मेरी बेटी है। तुमने बेवफाई नहीं की सपना, तुमने मेरे प्यार की परवरिश की है, उसे परवान चढ़ाया। हमारी बेटी कितनी सुंदर है, बिल्कुल हमारे ख्वाबों की तस्वीर। तुम्हें याद है? तुमने कोमल को बता तो नहीं दिया कि तुम उसके? नहीं, मैं जानता हूं कि कोमल गौतम को बहुत प्यार करती है,
अगर गौतम को कुछ हो गया तो वो बहुत रोएगी और मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, इसलिए गौतम की हिफाजत करना मेरा फर्ज बन गया। तो फिर बार बार गौतम को मारने की कोशिश कौन कर रहा है? करने से काम बिगड़ भी सकता है। तुम नाम जानते हो और बताओगे नहीं? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? अगर तुमने मुझे कभी प्यार किया था, एक पल भर के लिए भी, आज उस प्यार के नाम पर मुझ पर भरोसा करो। हाँ, करती हूँ। तुम यहां से चले जाओ प्लीज। अगर गौतम को मालूम पड़ गया कि तुम यहां हो तो ही किल यू। फिर तो ये चांस मुझे लेना ही पड़ेगा। तो फिर इस उलझन से निकलने के लिए गौतम को सच बता देने के सिवाय और कोई चारा नहीं रहा। कौन सा सच? हमारा सच, कोमल का सच। नहीं सपना, ऐसा नहीं करना। गौतम तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। फिर ये चांस मुझे भी लेना ही पड़ेगा। सपना, सपना, तुम कभी इस बात को सोचती हो कि तगड़े हमारे साथ ऐसा खेल क्यों खेला? हमने तो एक दूसरे से सिर्फ प्यार किया था, और क्या जुर्म था हमारा? मैं कोशिश करती हूं कि अब उन बातों पर ना सोचूं। मैं जानता हूं मेरा जुर्म क्या था। मेरा जुर्म था मेरी गरीबी। नहीं अर्जुन, जुर्म मेरा था कि मैं उस वक्त सिर्फ 17 बरस की थी। यस सर, मैं हेल्प यू। Mr. Seger, there is a call for you. Yes, Mr. Janish Chopra is at the gate for you. Shall we let him in? Mama ji, America mein? Yes, yes, please let him in. Thank you. मामा जी, आप नहीं सुधरेंगे। बच्चे, जिंदगी का मजा बिगड़े हुए लोग ही लूटते हैं। हाँ, लूट से एक बात याद आ गई। हाँ। वहाँ हिंदुस्तान में मेरे 30 स्टेट्स में कैसी लूट मची हुई है। आए दिन फोन आते रहते हैं, चाय के 3 ट्रक, कभी 5 ट्रक चोरी हो गए। आखिर इसमें किसका हाथ हो सकता है? मैं भी बहुत दिनों से इसी के लिए परेशान हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि घर का भेदी लंका ढारा हो? जब भांजा कह रहा है तो मामा होशियार रहेगा। वैसे तुम फिक्र मत करो। गौतम, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। बताओ। आप सुन रहे हैं क्या? और मॉरिस है मिस्टर साइगल। ओह एक्सक्यूज मी मैम, मैं आज एक ऐसी चीज आपको दिखाने आया हूं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये अर्जुन राय के कमरे से मिली। लिफाफे के अंदर देख लीजिए। ये सब कैसे हुआ? आई डोंट अंडरस्टैंड। कोमल कहाँ है? पापा। किशमिश, मेरी
जान, तुम जानती हो तुम्हारे पापा तुम्हें कितना प्यार करते हैं? नहीं, तुम नहीं जानती। तुम्हारे पापा तुम्हें इतना प्यार करते हैं कि उस प्यार के लिए उनका बहुत बड़ा सा दिल छोटा पड़ जाता है। क्या तुम मुझे बताए बिना किसी से मिलती रही हो? नो पापा। इस आदमी को जानती हो? नहीं। झूठ मत बोलो कोमल। तो फिर तुम्हारी ये तस्वीरें इसके साथ क्या कर रही हैं? बोलो। ये आदमी 3 बार तुम्हारे पापा को जान से मारने की कोशिश कर चुका है। अगर तुम ये चाहती हो ये तुम्हारे पापा को मार डाले तो फिर ठीक है। पर पापा, अंकल अर्जुन तो आपकी जान बचाना चाहते हैं। ओ, ऐसी बात है। हाँ। इधर आओ। पहले ये बताओ तुम उसे मिली कहाँ? यही अपने फूल घर में। अपने फूल घर में? मैं मम्मी से ये पूछने गई थी कि मैं राजू को पार्क में घुमा लूं। वहाँ ये अंकल मम्मी से बातें कर रहे थे। मम्मी से? हाँ। तुम्हारी पत्नी बनने से पहले मुझे किसी से प्यार था। जो प्यार तुमने शादी से पहले किया था वो मेरे साथ कोई बेमानी नहीं हुई। उन सब बातों का आज से क्या ताल्लुक? जब मैं तुम्हारे साथ साथ फेरे ले रही थी तब मैं गर्भवती थी। ओह गॉड, नो कोमल, कोमल मेरी नहीं है। मेरी कोमल मेरी नहीं है, मेरी किशमिश मेरी नहीं है, मेरी गुड़िया, मैं अपनी कोमल का कोई नहीं, कोई कोई भी नहीं। तुम उसके पापा हो, वो न मेरी है न किसी और की, वो सिर्फ तुम्हारी है। पाप बनने के लिए प्यार भरी एक रात काफी नहीं है। पाप वो है जो पाले पोसे, चूंगी पकड़कर उसे चलना सिखाए। ये सब किसने किया है कोमल के साथ? तुमने उस पर तुम्हारे सिवाय और किसी का कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं है। कोमल तुम्हारी है गौतम, सिर्फ तुम्हारी। कोमल का बाप कौन है? अभी नहीं। अर्जुन ही है ना? मैं तुम्हारा दर्द जानती हूँ गौतम। वो इस वक्त कहाँ है? वो तुम्हें मारना नहीं चाहता है, मेरा यकीन करो। वो तुम्हें बचाना चाहता है। वो स्टेबल्स में छुपा है। यहां तो कोई है ही नहीं। ओह माय गॉड, कहीं वो घर की तरफ तो नहीं चला गया? चलो फास्ट। पुजारी जी, मुझे और प्रसाद दे दो ना। बेटी, तुमने अभी तो प्रसाद लिया था।
हाँ मुझे और चाहिए। किसके लिए? मेरे दोस्त के लिए। बेटी ऐसा करो उसे यहीं बुला लो, दर्शन भी कर लेगा। पुजारी जी घोड़ा यहाँ अंदर कैसे आएगा? ओ, हो, समझ गया समझ गया। लो बेटी ये लो प्रसाद, खुश रहो जाओ। Hey you! What are you doing? You're trying to burn down the house? Yes, officer. I think you are right. You can't do that. That's against the law. I will put you under arrest. Officer, यहाँ कानून की हद खत्म होती है और मेरी शुरू। शायद फ्यूज उड़ गया होगा। जलने की बदबू क्यों आ रही है? कहीं घर में आग तो नहीं लग गई? सब तार जल गए, फोन भी काम नहीं कर रहे हैं। सब नौकरों को बाहर ले जाओ, देखो कोई रह ना जाए। यू टू गो बच्चे। सब हुआ कैसे? में आग लग गई है। कमल तुम जल्दी से बाहर निकल जाओ। कमल, कमल, कमल। तो अब शुरू हुआ है।
चीटी को बिल से निकालने के लिए जरा सी आंच की जरूरत होती है। क्या? सोचने का मौका नहीं, कम ऑन। हम दोनों को मिलके तोड़ना होगा, कम ऑन। तुम्हें बुला रही है गौतम, उसको जवाब दो। बेटे रो मत, हम आ रहे हैं, हम दरवाजा तोड़ कर आ रहे हैं। कोमल मेरी बेटी, चलो जी ने? हाँ। बच्ची सही कह रही है बरखुरदार, और अब तुम भी अपने मामा जी को अच्छी तरह पहचान लो। तुम तो आस्तीन के सांप निकले। हाँ, ले लो अपना आखिरी सांस गौतम सहगल। तुम्हारी मौत आ गई है।
नहीं अर्जुन। नहीं अर्जुन, नहीं, नहीं। तो नहीं लगी? मैं बहुत थक गया हूं बेटे, थोड़ी देर तुम्हारी गोदी में सो जाऊं। हाँ, अब ठीक है ना? अब ठीक हूं। खोलिए ना, प्लीज प्लीज आंखें खोलिए। कोमल मेरी बेटी, मैं तुमसे रुखसत हो रहा हूं। नहीं। मुझे भूल मत जाना, मेरा प्यार सच।